चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों हमारे पास फ्लेवरी ब्लेंड हो गया, यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो गया, लेकिन स्टमक में डाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर में भी क्या पाया जाता है, कुछ कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। क्या आपने कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सुना है, HCl? आपके पेट के अंदर में ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसे आप, अगर आप एक बूंद अपने हाथ पे रख लीजिएगा तो आपका हाथ गल के नीचे गिर जाएगा। क्या आपने pH के बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री में? ये जो HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाईली एसिडिक होते हैं, ये हाईली एसिडिक होते हैं। इसका जो pH वैल्यू है वो 1.2 है, मतलब ये एसिड है तेजाब है, क्या है, एसिड है। इतना खतरनाक एंजाइम आपके पेट में पाया जाता है, तो क्या ये आपको हार्म करता है? आपको हार्म क्यों नहीं करता है? आपके पेट में इतना खतरनाक एंजाइम पाया जाता है जो तेजाब के बराबर है, तो वो आपको नेचुरली क्यों नहीं हार्म करता है? उसके पीछे रीजन क्या है, क्या आपको पता है, क्या आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो आपके स्टमक में तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे बेसिकली हम लोग गैस्ट्रिक सेल्स बोलते हैं। इसमें पहला सेल्स है पेप्टिक सेल, पहला है पेप्टिक सेल, ठीक है, जिसे आप पी सेल बोलते हैं। ये पी सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करता है, लेकिन इसके अलावा आपके स्टमक में और भी सेल्स है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एसिड में बेस मिलाते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अगर एक मतलब आप एक एसिड में अगर बेस मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए अलग तरह के एंजाइम सेक्रेट होते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक पावरफुल एसिडिक एंजाइम आपके स्टमक में मौजूद है, ठीक है। और इस एंजाइम का काम है कि दूसरे एंजाइम को एक्टिव करना है, दूसरे एंजाइम को एक्टिव करना है, ये खुद से डायरेक्ट डाइजेशन पे काम नहीं करता है, ये दूसरे एंजाइम पे जाके वर्क करता है, जिसको पेप्सिनोजेन बोला जाता है। ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये पेप्सिन आपके प्रोटीन को तोड़ते हैं, ये पेप्सिन आपके प्रोटीन को तोड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोटीन का इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है अमाइलेज के द्वारा, इसी तरह से फैट का डाइजेशन होता है, एक्चुअली फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है, होते 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 ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? क्या आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट? आपसे बोर्ड में क्वेश्चन किया जाएगा कि पाचन की क्रिया क्या है और पाचन अंगों का विवरण करें, तो आप उसमें क्या लिखिएगा? तो उसमें आपको पाचन अंग सब के बारे में बताना पड़ेगा। तो छोटी आपके कितने पार्ट हैं? क्या बोलिए बोलिए, गलती होगा होगा, बोलिए दो, क्या क्या छोटी आपके पार्ट अच्छा, छोटी हाथ को तीन भागों में बांटा गया है, छोटी हाथ को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, पहला को क्या बोलते हैं, जो यहाँ से स्टमक से देख रहे हैं आप, ये जुड़ा हुआ पार्ट है, सी शेप, ड्यूडेनम सी शेप होता है, सी शेप। तो ये हो गया आपके ड्यूडेनम, फिर आते हैं आपके जेजुनम, फिर आपके आते हैं इलियम, ड्यूडेनम तक आते आते सारे फूड का डाइजेशन लगभग हो जाता है, ठीक है, सारे फूड का डाइजेशन लगभग हो जाता है। जेजुनम और इलियम में वाटर को निकाला जाता है, आपके फीकल मैटर को और कंसंट्रेट किया जाता है। अगर लिक्विड हो गया तो आपको डायरिया हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, तो उसके लिए वाटर को हम लोग उसमें से लेते हैं, वाटर को हम लोग उसमें से लेते हैं, और ये इसको हम भेजते हैं किसमें, जेजुनम में, जेजुनम में भेजते हैं। जेजुनम के अंदर में जाने के बाद इसमें से
वाटर का सेक्रेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर का सेक्रेशन होता है, फिर इससे हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जब आप ब्रेक कीजिएगा, आप खाते तो चावल है लेकिन आपको एनर्जी उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को आप लोग ले लेते हैं, ठीक है, और उसको ब्लड में छोड़ देते हैं। तो यही प्रक्रिया को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। बाकी का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होता है, यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है। अब स्टोर होने के बाद आपको एक रिफ्लेक्स चाहिए, आपको एक क्या बोलते हैं कमांड चाहिए कि इसको निकालना है। बचपन में आदमी को लैट्रिन पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता है, आप कहीं भी सुसु कर सकते हैं, कहीं पे आप लोग टॉयलेट कर सकते हैं, आई मीन बचपन का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उस पर आपको इस पे के पकड़ बन जाती है, आपके जो ये जो टॉयलेट पैटर्न है इससे आपको पकड़ बन जाता है। आप एक बार सुबह में जाते हैं, कितना आदमी सुबह और शाम जाते हैं, बात मेरे समझ रहे हैं? तो इसको टॉयलेट ट्रेनिंग भी बोला जाता है जो बच्चे को दिया जाता है। लेकिन मेन मोटिव आप मेरे को ये बताने का आपको ये है कि शुरू शुरू में आपको कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके जो ब्रेन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो समझ जाता है कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही एक रिफ्लेक्स जनरेट करना है जिससे आपके अंदर में एक तरह का मोमेंट हो और आप वॉशरूम जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो खाना है वो टेम्पररी इसमें स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और ये रिफ्लेक्स आने के बाद आप लोग कहाँ जाते हैं? वॉशरूम जाते हैं और स्ट्रेट आउट कर देते हैं। तो बेसिकली ये पूरी प्रक्रिया ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहलाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? मैं आपको नोट भेजूंगा और कल अब हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर मूव करेंगे जिसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आज से क्लास हम लोग बाइंड करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि पोषण क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने तरह के पोषक तत्व हैं आहार के आधार पर, और इसके अलावा जो हम लोग को जरूरत है संतुलित आहार के आधार पर 5 तरह के हैं, आकार के आधार पर 2 तरह के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये हमें अलग अलग अनुपात में चाहिए, इसकी अगर कमी हो जाती है तो हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जैसे कुपोषण एक टाइप हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली पोषण से हम लोग एनर्जी लेते हैं, और ये पोषण लेने का जो तरीका है ये जानवर में अलग है, मनुष्य में अलग है। तो जानवर में है वो जो मनुष्य और जानवर में है उसे हम विषम भोजी और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो प्लांट्स में उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो अपने भोजन लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्लांट ये सभी हरा ही होना चाहिए, किसी भी कलर के प्लांट में क्लोरोफिल पाए जा सकते हैं और वही अपना एनर्जी लेते हैं। फिर हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में डिटेल में बात किया, हम लोगों ने पहली जब प्रोग्राम दीपावली प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसको पूरा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और ये डाइजेशन क्रिया वो गुहा से ही ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। 30% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हो जाता है, रेस्ट 70% आप लोग स्टमक से स्टार्ट होता है। धीरे धीरे डाइजेशन होते होते इसमें आपको फीकल मैटर स्टोर होता है, रिफ्लेक्स आने के बाद इसे हम लोग बाहर कर देते हैं, और जो एनर्जी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर में भेज दिया जाता है। तो कल हम लोग ब्रीदिंग पढ़ेंगे कि कैसे फूड को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप क्या ये सोचते हैं कि सांस लेना ही ऑक्सीजन का काम है? नहीं, भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो कैसे होगी वो हम लोग कल के क्लास में समझेंगे। ओके, सो थैंक यू विद हैविंग मी, बाय, हैव अ नाइस डे।